नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। प्रयागराज जनपद के मदरसे में पहले नकली नोट बरामद हुए, उसके बाद मदरसे के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ जहर घोलने वाले साहित्य एवं किताब बरामद की गई। अब इसके बाद ये संज्ञान में आया है कि मदरसे का मौलाना यहाँ पढ़ रहे बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहा था। इस मदरसे से पढ़कर निकले हुए करीब 630 बच्चों को ATS तलाश करने में जुट गई है। करीब 6 राज्यों में उन छात्रों की तलाश की जा रही है जिनका मौलवी मोहम्मद तफसीरुल आरिफीन ने मदरसे में पढ़ाई के दौरान ब्रेन वॉश किया है। मदरसे के बारे में जब गहनता से जांच की गई तो ये भी पता लगा है कि मदरसे को तुर्की, सऊदी अरब और दुबई में आर्थिक मदद की जा रही थी। जानकारी के अनुसार प्रति वर्ष लगभग 48 लाख रुपए भेजे जा रहे थे। मदरसा को संचालित करने वाली कमेटी का कहना है कि मदद के तौर पर ये रकम भेजी जाती थी। इस धनराशि को लेकर जांच की जा रही है। उल्लेखनीय है कि गत मंगलवार को प्रयागराज के मदरसे में कुछ किताब बरामद की गई थी। इस किताब में RSS के खिलाफ जहर उगला गया है। RSS के खिलाफ दुष्प्रचार करने वाली इस किताब में लेखक के तौर पर MS मुशर्रफ का नाम लिखा हुआ है। लेखक को महाराष्ट्र पुलिस का पूर्व IG बताया गया है। इस मदरसे से कुछ दिन पहले मौलवी समेत कुछ लोगों को 100-100 के नकली नोट छापने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। नकली नोट के बंडल भी बरामद किए गए थे। पुलिस का कहना है कि मदरसे के मौलवी पर NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में मोहम्मद अफजल, मोहम्मद शाहिद, जाहिर खान उर्फ अब्दुल जाहिर और मदरसे के मौलवी मोहम्मद तफसीरुल आरिफीन की गिरफ्तारी हुई है। मदरसे में जब छापा मारा गया तब वहां पर लैपटॉप, स्कैनर, प्रिंटर, अर्ध निर्मित नोट और 234 पेज बरामद किया गया था। बता दें कि बच्चों या फिर युवाओं का ब्रेन वॉश बहुत ही बड़े स्तर पर चल रहा है। 25 जनवरी को गुजरात से एक मामला सामने आया था जिसमें एक हिंदू व्यक्ति किशन भारवाड़ की हत्या कर दी गई थी। उसे इस्लामवादियों ने इश्मिंदा का आरोप लगाकर मार डाला था। जांच में सामने आया था कि इस मामले में गिरफ्तार जमीयत उलेमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अयूब ने गुजरात के मुस्लिम युवकों के दिमाग में जिहाद के लिए भरमाने के लिए जज्बाए शहादत नामक किताब की 1500 प्रतियां छपवाई थी। इस किताब के जरिए मौलाना ने युवकों को भड़काया था जिसका परिणाम था कि कई हिंदू युवकों की हत्या कर दी गई थी। देश के कई मदरसों में चल रहे ब्रेन वॉश के खेल को रोकना बहुत जरूरी है और इसके लिए कानून और प्रशासन को भी सख्त होने की जरूरत है। रितम मीडिया की नई ऐप आ गई है। जी हाँ, देश की उभरती हुई बहुभाषी मल्टीमीडिया रितम ऐप का नया वर्जन लॉन्च कर दिया है। इस नए अपडेट के साथ मिलेंगे आपको ढेर सारे मजेदार फीचर्स। जैसे ही आप ऐप खोलेंगे आपको सबसे ताजी खबरों का सेक्शन लेटेस्ट न्यूज मिलेगा। इसमें आप देश दुनिया की हर खबर PIH और देख सकते हैं। साथ ही दिस डे इन हिस्ट्री में जानिए इतिहास की खास बातें। रितम मीडिया ने खास आपके लिए TV और वेब सीरीज सेक्शन जोड़े हैं। अब देखिए अलग अलग न्यूज चैनल्स और मजेदार कहानियाँ। और हाँ, सिटीजन जर्नलिज्म को बढ़ावा देने के लिए वीडियो सेक्शन भी है। यहाँ आप अपने इलाके की बातें सब तक पहुँचा सकते हैं। खासकर महिलाओं और युवाओं के लिए भी अलग अलग टैब्स हैं, जो उनकी पसंद और जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो अब इंतजार कैसा, फटाफट गूगल प्ले स्टोर या iOS पर जाइए और रितम ऐप डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले पाइए अपडेटेड न्यूज़।